ट्विंकल शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ट्विंकल शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ट्विंकल शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ट्विंकल शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की जय, मातरम, मातरम, मातरम। मैं तो बिल्कुल यही चाहती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारा कानून ऐसा है नहीं। या तो उन लोगों को दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि जिसके घर में ये आग लगती है सिर्फ उन्हीं को इसका दुख और दर्द होता है। जब तक कहते हैं कि किसी को चोट नहीं लगती उसको उसका दर्द महसूस नहीं होता, तो सेम चीज़ वही है कि बस कानून थोड़ा सख्ती से कार्रवाई कर ले, क्योंकि हमारे कैंडल मार्च करने से भी कुछ नहीं होगा। सबसे पहले कानून को या हम सबको पहले ये देखना चाहिए कि ये सब हो क्यों रहा है। क्यों जब कोई करता है तो उसे कुछ लगता नहीं, उसको कोई दुख नहीं होता ये सब काम करते हुए। और दूसरी बात, उसे क्यों कोई डर नहीं लगता। हमें लोग ऐसे लोगों के अंदर डर बिठाना चाहिए, सरकार को डर बिठाना चाहिए। दूसरी बात ये, थैंक यू, दूसरी बात ये कि अगर हम उन्हें फांसी की सज़ा दे देंगे तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी। कितने लोग फांसी की सज़ा, कितनों को फांसी की सज़ा मिली, पर क्या ये रेप कम हुए? हर चार मिनट बाद एक एक रेप होता है, हर चार मिनट बाद। तो हमें क्या वो करना चाहिए, फांसी की सज़ा के सिवाय हमें उम्र कैद देनी चाहिए, ताकि उन लोगों को पता लगे कि कैसे उन्हें जीते जी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा देनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया में लॉ की कमी नहीं है, लॉ इतने हैं, इंटेंशंस भी ठीक है, पर इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। किसी इंसान को क्राइम करने का डर ही नहीं है, क्योंकि सजा उसको भी पता है कि 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल मैं इधर उधर घुमाता रहूँगा, तारीख पर तारीख लेता रहूँगा, तो इससे कुछ होगा नहीं। और सरकार पे सब कुछ छोड़ देना सही नहीं है, आपको समाज में भी जेंडर इक्वालिटी की बात करनी चाहिए, आपको समाज में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर हम, ठीक है हम फांसी देना एक चीज़ है, पर अगर हम चिल्लाते रहेंगे कि फांसी दे दो, उससे मुझे नहीं लगता, ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ बदलाव आएगा। आपको अंदर से समाज में रूट लेवल से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। पर मैं फिर से कहना चाहूँगी, कानून स्ट्रिंजेंट है, आप पढ़ के देखिए। अभी एक कानून ये हुआ कि 12 साल की बच्ची के नीचे तक अगर कोई केस होता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। पर आप ये देखिए कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल क्या है। पॉलिटिक्स है, सबको पता है, इलेक्शन का टाइम था, सब काम पे लग जाते, अब सबको पता है 5 साल की गई, बस बात खत्म। क्या चाहते हो आप सरकार से, क्या चाहते हैं? मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, ताकि क्रिमिनल्स को, क्राइम करने वालों को ये पता चले कि सर्टेनिटी है इंडियन लॉ में। ऐसा नहीं है कि तुम उसके साथ खेल जाओगे और सरकार कुछ नहीं करेगी। ऐसा क्रिमिनल को नहीं लगना चाहिए, वो बढ़ावा देता है भय, भय का माहौल है। यस एग्जैक्टली, डर जरूरी है, बंदे में डर जरूरी है। आप क्या कहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगी कि 7 दिन के अंदर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, जो भी है, क्योंकि बच्चे के जो माँ बाप है उनके ऊपर भी सामाजिक मोरल बहुत प्रेशर होता है, तो हैंग टिल डेथ करना चाहिए उसको, मेरी राय में तो। सरकार से अपील तो हमारी ये है कि जो भी घटना घटती है कम से कम उसका जो उनको सज़ा मिलनी है उसमें इतने देर विलंब ना करें कि वो जो घटना है फिर उसमें सब लोग में कितना मन में क्रोध और कितना हमें, हमारे जैसे दूर हम लोग दिल्ली में रह के कितने मन में दुखी हैं कि इतनी बर्बरता हमने आज तक नहीं सुनी है। हम जानते हैं कि कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं कि अभी भी जैसे हम यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं बेमतलब होके चलते चले जा रहे हैं, वो सोचते हैं कि आज यहाँ हुई है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। तो ये घटना जैसे किसी की मृत्यु होती है तो एक रिमाइंडर होता है कि कल को हमें भी जाना है और हम इस संसार में अच्छे से रहें। तो जो हम ऐसी रोज बलात्कार की और ऐसी बर्बरता की, ये इससे ज़्यादा बर्बरता आज तक हमने कभी नहीं सुनी थी। तो ऐसी घटनाएं ना हो, माता पिता भी अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मतलब सरकार तो एक बात की बात है, पर मैं पेरेंट्स से भी मेरे को बहुत दुख है कि माता पिता भी अपने बच्चों को बहुत समेट के
कलयुग इतना बढ़ता चला जा रहा है, सरकार तो बाद में हेल्प करेगी, पहले हम भी उनको सजा दे। और अब हमारे साथ तो जो होना था वो हो गया, हम चाहते हैं कि आगे से बचाव हो, है ना। और अगर उनको सजा नहीं मिलेगी तो और लोग और सर पे चढ़ जाएंगे और बुरी तरह से ऐसे कार्य करते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि उनको एक तो सजा भी उनके लिए मुझे लगता है कि कम है, उनको जिंदा और वैसे ही उसकी हाथ पैर टांग के जिंदा के तभी उसको वो दर्द का एहसास होगा। वो निश्चित मानसिक रोगी है, नहीं तो ऐसे कोई नहीं कर सकता। हमको बहुत दुख है और माता पिता सबके लिए ये संदेश है कि अपने को अब बचाओ। एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो बाकी लोग ध्यान से चलाते हैं, तो इसी प्रकार से आगे आने वाली जो बच्चियां हैं उनके साथ ये घटना ना घटे, हम ये और भी ज़्यादा चाहते हैं। धन्यवाद। चाहती हूँ कि वो ऐसी घटना नहीं, कोई भी घटना जब घटती है कि दूसरे को आप टॉर्चर कर रहे हो या कष्ट दे रहे हो, इमीडिएटली एक्शन हो, चाहे वो कोई भी प्रकार की हमारे भारत की समस्या हो। अगर भारत में सब कुछ है तो हम भी हैं, अगर ये सब कानून और ये सब बैलेंस नहीं होएगा तो हम क्या कर सकते हैं, मैं कितना भाग सकती हूँ, हम क्या कर सकते हैं। कैंडल मार्च इज़ नॉट द सोल्यूशन, बस एक संकेत हम छोड़ना चाहते हैं। और बस इसी की नहीं, हर एक चीज़ की सज़ा इमीडिएटली मिले, कानून बदला जाए। मासूम बच्चियों के साथ इस तरह से जो घटना घटती है, क्या लगता है आपको, पहले भी इस तरह से घटना एक निर्भया कांड में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार को पहले सजा देनी चाहिए, फांसी, बाद में कोर्ट में केस चलाए, बाद में कोर्ट में केस चलाए, वो चलता रहे केस, क्योंकि केस तो अब भी चलेगा, तो पहले सजा क्यों नहीं दे रहे, पहले फांसी क्यों नहीं दे रहे उसको। उस मासूम का क्या कसूर था, क्या किया उसने, क्यों इतना अत्याचार हुआ उसके साथ। ये हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता, ये मासूम बच्ची देखी गई है। क्या चाहते हैं, देखिए ये तो कैंडल मार्च होता है, निर्भया कांड हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन चला, तो हमारी जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो बहुत शिथिल है, तो आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो है मासूम बच्चियों पे जो है अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, महिला शक्ति को जो है वो किया जाता है, तो क्या लगता है आपको कि कानून कैसा होना चाहिए या सरकार को क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि बड़े दुख की बात है जो भी हमारे साथ देश में हो रहा है कन्याओं के साथ। तो जैसे बाहर के देशों में इमीडिएट ऐसा कुछ करा जाता है, एक्शन लिया जाता है, ऐसे हम सरकार से चाहते हैं। अब हमारी सरकार बहुत जागरूक आई है, तो कुछ भी ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि एकदम माहौल हमारा डर का हो, कि बच्चे को हाथ लगाने से पहले वो अपना भविष्य जान ले कि आज हम ये कार्य करेंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकार तो जागरूक है ही, और अगर जनता जागरूक नहीं होगी, कई बार हमने देखा है, मैं ऑफिस जाती हूँ, कि हम लोग देख भी रहे हैं कि इस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, लेकिन हम अपनी आंखों को इधर उधर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनता भी दोषी है, हम भी दोषी हैं, सबसे पहले हमें भी इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। उसी टाइम इमरजेंसी कोई पुलिस है पास में, जो भी हम सुविधा दे सकते हैं, हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, जनता को भी एक्शन लेना चाहिए। मैंने बहुत देखा है कि हम लोग भी थोड़ा सा आलस मार जाते हैं, या देख के भी हमें पता है कि इधर लड़का लड़की को छेड़ रहा है, लेकिन हम उस चीज़ पे हम भी जब तक हम सरकार के कानों में नहीं डालेंगे कि जनता भी जागरूक है, जनता भी आगे बढ़ेगी, तभी तो सरकार कुछ करेगी ना आगे। सरकार से रिक्वेस्ट है कि 15A आर्टिकल जो है, 15A आर्टिकल के अकॉर्डिंग रेप विक्टिम के लिए पहले जो है कोर्ट केसेस होंगे, चार्जशीट फाइल होंगी, वो सारी चीज़ें बाद में हों, पहले उसको अरेस्ट किया जाए, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसके केसेस चलें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस चलें, और उस पर कुछ ऐसे मतलब ऐसे इंसिडेंट्स लाने चाहिए, ऐसे कानून लाने चाहिए जिससे कि डर बैठे उनके अंदर। हम यही चाहते हैं योगी जी से कि इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ऐसे कृत्य, घिनौने कृत्य ये होने नहीं चाहिए अपने हिंदुस्तान में। ये कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सर्वधर्म समाज में ऐसे कृत्य होने ही नहीं चाहिए। हम यही चाहते हैं कि योगी जी से फास्ट ट्रैक अदालत में जल्दी से जल्दी इनको सज़ा मिले और फांसी मिले, यही कहना चाहिए। हाँ जी सर, ये कानून में जो है क्या चाहते हैं, चेंजिंग हो, जो कि जो 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 ये अपना जो शिथिल कानून है उसको जो है ठीक से, ये कानून संशोधन होना ही चाहिए, बच्चों के लिए कोई अलग कानून बनना चाहिए जो से जल्द जैसे कि ये कृत हुआ है इसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा ही मिलनी चाहिए। मैं भी एक सजेशन देना चाहती हूँ सरकार को कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है,
इसको भी इस इन चीज़ों के साथ इम्प्रूव करना चाहिए कि बचपन से बच्चे में ये संस्कार दिए जाएँ कि ये जो तुम्हारा स्त्री और पुरुष का जो शरीर है इसमें एक लिमिटेशंस हैं, जो कि आपको हमेशा माता पिता को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने वैदिक संस्कारों को हमको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले कम्युनिटी बाद में है, पहले तो हम एक ह्यूमन बीइंग है ना, पहले तो हम एक इंसान है, उसके बाद फिर हम एक स्त्री और पुरुष बनते हैं। जब हमें होश आता है तब ये सब चीज़ें हमारे बीच में ग्रो करती हैं, क्योंकि एजुकेशन की भी कमजोरी है हमारे भीतर। मुस्लिम्स को कुछ पढ़ाया जा रहा है, हिंदूज को कुछ पढ़ाया जा रहा है, फिर आगे जाके हम इतना झगड़ा लेते जाले जा रहे हैं कि हम एक दूसरे की इज्जत करना भूल गए हैं। अब 10,000 रुपये के पीछे किसी की बेटी का आप ऐसे बर्बरता करो तो ऐसे हम तो उसको क्या सजा देंगे जो उसको परमात्मा से सजा मिलेगी। तो आप एजुकेशन सिस्टम भी हम चाहते हैं कि एक हो पूरे भारत में। अगर आप सबका विकास, सबका वो चाहते हैं और सबका विश्वास चाहते हैं तो पूरे भारत को हम, मैं एक और एक संदेश देना चाहती हूँ कि हिंदू हिंदुस्तान में हम हिंदू बन के रहें, क्यों नहीं हम रह सकते हैं। अगर हम कन्वर्जन्स कर रहे हैं, क्रिश्चियंस बन रहे हैं, मुस्लिम्स बन रहे हैं और तब लोगों ने हमारे ब्राह्मण्स को ही हमारी कन्वर्जन्स करी थी, आज हमारे हिंदुस्तान में हम क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं सब हिंदुस्तानी बन के क्यों नहीं रह सकते हैं। पाकिस्तानी और मुसलमान और क्रिश्चियंस हमें नहीं बनना है, एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए। बिल्कुल, एक राष्ट्र एक कानून और पनिशमेंट भी सबकी एक। और जब ऐसी इंसिडेंट्स हो तो हम एक दूसरे को ब्लेम ना करें, कीचड़ ना उछालें कि वो मुस्लिम ने कर दिया। सबकी बेटियां सांझी हैं, सबके बेटे सांझे हैं, पुत्र भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। वो किसी का बेटा था क्योंकि उसके संस्कार बुरे थे, उसके माँ बाप ने उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए कि छोटी सी गलती के पीछे उसने कितना बड़ा कांड करके रख दिया। आपकी नींद हराम हो जाएगी ऐसी घटना सुन के। हम तो बड़े हैं लेकिन आप उस लेवल, उस मोमेंट को सोच के देखिए। तो हम चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम भी बराबर हो सबका, हमें नहीं चाहिए डिफरेंट एजुकेशन, हमें सेम। और बचपन से बच्चे को सनातन धर्म की को फॉलो करना चाहिए, उन लिमिट्स को हमें हमको रहना चाहिए। क्योंकि स्वामी जी, मैं भी सन्यासी हूँ और ये स्वामी जी भी हैं यहाँ पर, हम भी कहीं ना कहीं वहीं से ही आकर हमने अपने फॉलो किया, उनने रूल्स को फॉलो किया। किसी भी परिवार में जब तक रूल्स फॉलो नहीं होते तब वो परिवार बिखर जाता है। मैं रिटायर्ड पुलिस अफसर हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो पुलिस अफसर को ये होना चाहिए था कि जितनी उन्होंने ढिलाई की ना 30 घंटे की, उसको सीरियस नहीं लिया। अगर कोई टाइम पे ऐसे करते तो ये घटना नहीं होती, नंबर वन। नंबर टू, अब अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो और एविडेंस कलेक्ट अच्छे से ढंग से की जाए, और चार्ज शीट तभी दाखिल की जाए जब अच्छे से एविडेंस कलेक्ट हो जाए, नहीं तो बच जाएंगे फिर, ठीक है ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और सख्त से सख्त सजा मिले, यही है। आपको क्या लगता है कि जैसे कि देखिए पहले भी निर्भया कांड हुआ, कानूनी हमारी प्रक्रिया बहुत लंबी है, देखिए कब तक हो, कब तक रहेगा? पता है, देखिए मैं 40 साल मैंने पुलिस में नौकरी की है, मुझे पता है संजय चटर्जी के बाद क्या किसी को होया रेप के मामले में आज तक, बताइए। लाइन लग रही है, फांसी बोल दी, किसी को हो ही नहीं रही, कुछ भी नहीं है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि जब अच्छे से होगा ना, जब चढ़ेंगे तो 10 को और पता चलेगी, 50 को और पता चलेगी कि ऐसा होता है। आप तो ये सोचे ऐसे ही है, कानून ऐसे ही है हमारा, कानून में अपॉइंटमेंट होना चाहिए ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और जल्दी से जल्दी हो उसको, ये नहीं है कि वो तो अब जिसके साथ घटना घटेगी उसके माँ बाप पे क्या बीते, अभी कर रहे हैं हम सब भूल जाएंगे फिर 4-6 महीने में, साल में, कुछ भी नहीं होगा। यही तो होता है यहाँ, कुछ भी नहीं होता। तो जितना भी हो जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा हो, चार्जशीट दाखिल हो, अच्छे से एविडेंस कलेक्ट करके उसकी तफ्तीश अच्छे से बढ़िया हो और उसको सख्त सख्त सजा मिले। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो हर कोई कहता है कानून सख्त हो, सब कुछ सख्त हो, पहली बात तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे ही ऐसा कोई अपराध करता है, घिनौना अपराध जो करता है, जैसे ट्विंकल शर्मा के साथ हुआ है, ऐसा जैसे ही वो करता है उसको वहाँ पहली बात तो पब्लिक पकड़े और पुलिस के हवाले करके, और पुलिस इमीडिएट उस चौराहे के ऊपर खड़ा कर कर उसको पहले तो वहीं पर, जिससे कि एक जगह चोट मारो तो हजारों किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ जानी चाहिए। पहली बात तो उसके एक चौराहे पे खड़ के, ऐसे किसी भी पर्सन को चौराहे पे खड़ के जैसे ही साबित हो जाता है कि हाँ भाई इसने ये अपराध किया है, विद प्रूफ होना चाहिए, और बिगर प्रूफ किसी, ऐसा भी नहीं हो कि अननोन पर्सन को भी गलत उसमें फंसा ना जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो है 90% केसों में ज़्यादातर गलत फंसा दिया जाता है।
जब उसे साबित हो जाए मीडिया के द्वारा, मीडिया को पूरा साथ देना चाहिए, उसको चौराहे पे खड़ा करके सारी पब्लिक के बीच में उसमें ये इस अपराधी पे जो है पहले भी कुछ मामले ऐसे थे, क्यों छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे लोगों को जो है पैरल पे या बेटी गई था, जबकि इन्होंने ये चाहिए था आज तक। अगर जो मैं ये पुराने बातों कहना चाहूँगा, हमारे ये जितने भी जो नेता लोग हैं या बड़े बड़े जो वोट की जो राजनीति हमारे देश में, वो एक हिंदू और मुसलमान की तो लड़ाई करवा देते हैं, लेकिन जब अपनी बहन बेटियों की बात आती है तो वो किसी न किसी बहाने से उसको छोड़ दिया जाता है या उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में बंद करना कोई ऐसा अपराधी को माफ़ करना नहीं होता है। माफ़ करने का तो एक ही रास्ता है, उसे परमानेंट मुक्ति दी जाए, और पुलिस वाले के पास कोई जादू का डंडा तो है नहीं कि उसको अपराध का पता चलेगा। अब हर बात को हम पुलिस वालों के ऊपर डाल देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो चाहिए कि पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट करे और उसको एक हफ्ते, 10 दिन या 15 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर अंदर उसको फांसी की सज़ा दी जाए और मैन चौराहे पर दी जाए। ऐसा हमारे देश में कानून होना चाहिए। पंजाब में भी एक ऐसी 6 साल के बच्चे का रेप हुआ है, लेकिन वहाँ पे लोगों ने मिल के उसको वहीं पर दिया, तो कम से कम लोगों को डर तो लगा ना कि ऐसा भी हो सकता है। वो तो बाद में उसका जो उनके ऊपर जो कष्ट आएगा वो एक बात की बात है, लेकिन उन्होंने 6 साल का बच्चा और 2.5 साल का बच्चे में तो मतलब, लेकिन फिर भी 6 साल का भी बच्चा हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो इमीडिएटली मैं तो ये चाहूँगी कि थोड़ी यहाँ पर सरकार को तानाशाही बरतनी, जो गलत कर रहा है उसको उसी समय सजा मिले। भय होना चाहिए। देखिए, परिवार में माता पिता का भय ना होता तो आज हम ये बनते डॉक्टर, इंजीनियर्स, क्या क्या बनते हैं। उनके माँ, उनको पूछो कि माँ बाप ने कितने थप्पड़ मारे हैं, कितनी पानी उठ डाल डाल के माँ रात को सोने नहीं देती है कि पढ़ ले तू बड़ा आदमी बनेगा। तो भय देते हैं माता पिता, कभी थप्पड़, कभी भूखा रखते हैं कि तुम बड़े इंसान बनो। इसी प्रकार से भय देना पड़ेगा उनको, डराना पड़ेगा कि भैया तुम गलत करोगे। और यहाँ ये गलती, ऐसी गलती, आप सोचो कुत्तों को खिला रहे हो आप, तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ तभी, नहीं तो मैं ऐसे नहीं आती हूँ कभी भी। भय होना चाहिए। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम का तो मुझे लगता नहीं कोई इश्यू है इसमें, लो है ऑलरेडी, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। जैसे 2012 में कमेटी बिठाई थी गवर्नमेंट ने, उसको इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी बात है वुमेन का एम्पावरमेंट, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं जैसे मैम ने बोला कि एजुकेशन में चेंज, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। जब तक सोशल चेंज नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। लो होता रहे, इम्प्लीमेंट नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है मैं सर उसका। जब तक लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं होगा वुमेन के रिलेटेड, तब तक कुछ नहीं होगा। तो सबसे इशू है कि एजुकेशन लेवल पे ही सुधार करना चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि वुमेन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हम एंशियंट हिस्ट्री से मॉडर्न में पढ़ते हैं कि वुमेन का रोल कितना, झांसी की रानी हो या फिर आप एंशियंट हिस्ट्री में देखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोशल एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट, ये दोनों ज़रूरी है। और लोगों में सोशल चेंज होना चाहिए। लो ठीक है, आप मतलब कि उसको फांसी वगैरह दे सकते हो, नो डाउट, लेकिन फिर वही है कि हाँ, लो सख्त होना चाहिए, नो डाउट इसमें, लेकिन चेंज जरूरी है। सोशल माइंडसेट चेंज नहीं होगा, इतना चेंज कुछ नहीं होगा बस। थैंक यू सर। कि ये जो हम हिंदू मुस्लिम की जो बात करने लग जाते हैं, हम उन लोगों का ध्यान उसमें से हटा देते हैं कि लोग अब इसमें लड़ते रहे और वो जो अपना उनका जो जिसकी गलती है उसको वो बचा के निकाल के ले जाते हैं। अभी तक कितने लोगों को फांसी हुई है, कितनी लड़कियों को रेप किया, ये दिल्ली वाला इंसिडेंस भी देखिए या और जितने रोज न्यूज़पेपर्स इन चीज़ों से भरे रहते हैं। तो ये भय, उनको डराइए। मैं तो वो जो पाकिस्तान में भी रोज पत्थर मारने वाले, मैं कहती हूँ जमीन से पैदा हो गए क्या, कहाँ से उनके मूल को नष्ट करो। इसीलिए मैंने एजुकेशन की बात की कि जब तक हम, हमारे भीतर से सच्चाई नहीं आएगी, जब तक हम भीतर से सत्यता नहीं, अच्छे इंसान, अच्छे संस्कार नहीं होंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। क्या कहें, मैं मैम की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसे कि दिल्ली का इंसिडेंस जो हुआ था, अगर उसी टाइम हमने कुछ ऐसा कठोर कदम उठाया रहता तो अगर भय का माहौल हमें क्रिएट कर, जैसे कि इंडिया को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब इंटॉलरेटेड है, लेकिन वी आर रियली द मोस्ट टॉलरेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हमें ये टॉलरेशन की पॉलिसी कहीं ना कहीं एक स्पॉट पे जाके ख़त्म करनी होगी।
जैसे कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम लोग बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था कि मानव ने कैसे विकास किया, तो क्या होता है कि जो हमारे अंदर अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जीन के थ्रू। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये क्रुएलिटी हमारे आज के जनरेशन में बनी रहेगी, हम इसे रोकेंगे नहीं, तो ये नेक्स्ट जनरेशन शिफ्ट होती जाएगी एंड इट विल बी मोर क्रुएल इन द अपकमिंग जनरेशन। तो एक स्पॉट कहीं आता है कि हमें चीज़ों को खत्म करके और नई चीज़ें शुरू करनी होती है, तो हमें एक बार ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा जिससे लोगों के मन में डर हो कि हम अगर नारी का सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश में बड़ों बुजुर्गों का, नारियों का सम्मान करने के लिए इस देश को जाना जाता है, तो हमें एक स्पॉट लेना पड़ेगा, एक स्टांस ऐसा लेना पड़ेगा। कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी, कानून में इसके लिए जो भी जरूरी है, जिससे कि लोगों के मन में डर पैदा हो कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो उसके लिए मुझे कठोर से कठोर सजा मिलेगी, तब जाके ये कहीं रुक पाएगा। कोई डिसीजन होगा, हम सरकार के साथ हैं। आप ये मत सोचिए कि हम लोग आज यहाँ पर हैं तो कल नहीं होंगे। आप प्लीज, कोई भी ऐसा होगा कि सरकार फैसला लेगी और लोग उसके अगेंस्ट बोलेंगे, तो ये लोग जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कल भी वहीं पर होंगे। वी आर देयर फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो। देखो, जो हर बार लोग ऐसे कैंडल मार्च जला करके अपना जो ये दुख जताते हैं, सरकार को एक संदेश देते हैं कि ऐसा देश में दोबारा ना हो, ऐसे कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बार बार ये जो छोड़ दिए जाते हैं और इनके लिए एक लंबा टाइम दिया जाता है, ये टाइम की इनको सजा देने की बहुत कम टाइम होना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। वो चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ऐसे छोटे से बच्चे के साथ में कोई भी काम होता है तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो बस यही मानना है। सब यहाँ पर जमा हुए हैं, ये इसीलिए हुए हैं ताकि देश की सरकार को एक संदेश दे सके कि ऐसा दोबारा ना हो।